नमस्कार सभी को। तो यूपीपीएससी के लिए आज से हम सीरीज शुरू कर रहे हैं। डेली क्वेश्चंस लेके आऊँगी यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के आधार पे, और उसी टाइप के जो है दूसरे एमसीक्यूज की तैयारी करेंगे। तो बच्चे अभी से जुड़ जाएं, और जो नोरसेट के एस्पिरेंट्स हैं जो मेंस के लिए तैयारी करेंगे, उनके लिए भी मैं वीडियो डालूंगी बेस्ड ऑन मोसबी सॉन्डर्स पैटर्न, एनक्लेक्स पैटर्न। तो वो भी बच्चे जो है चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। द एवरेज वेट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मदर और बच्चे के बीच में जो है एज अ कम्युनिकेशन एक्ट करता है। न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज, ये सारा क्या है प्लेसेंटा के थ्रू होता है। और जो इसका एवरेज वेट होता है वो 500 ग्राम के अराउंड होता है, अबाउट 1/6 ऑफ द वेट ऑफ बेबी। और ये जो है हार्मोनल रेगुलेशन के लिए भी प्रेगनेंसी में जाना जाता है। ये कौन कब तक करता है? एट द एंड ऑफ, मतलब 12th वीक के अराउंड जो है ये फुली फंक्शनल हो जाता है, और प्लेसेंटा तब अपनी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है हार्मोनल प्रोडक्शन की। तब तक जो है ये, जब तक प्लेसेंटा एक्टिव नहीं होता तब तक कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो हार्मोनल प्रोडक्शन वाला काम देखता है प्रेगनेंसी में, और जब प्लेसेंटा फुली फंक्शनल हो जाता है एट द एंड ऑफ लगभग 12th वीक, तो ये जो है हार्मोनल वाली चीज़ें देखने लग जाता है। प्लेसेंटा जो है बनने कब लग जाता है? 7 to 10th डेज ऑफ कंसेप्शन जो है इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। सो वेट पूछा गया था, वेट इज 500 ग्राम के अराउंड ऑलमोस्ट। नेक्स्ट, अम्बिलिकल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्निक्स कैजियोसा, एमनियोटिक फ्लूइड, ब्लड सब्स्टिट्यूट्स एंड वार्टन्स जेली। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस से बना होता है जिसको वार्टन्स जेली बोलते हैं। और इसका क्या पर्पज़ होता है? इसका पर्पज़ यही होता है कि ये शॉक से प्रिवेंट करता है किसी भी तरीके के अम्बिलिकल कॉर्ड को। ये जो है जनरली हाइलोयूरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोइटन सल्फेट जो है उससे मिलके बना होता है, और ये एक जेल लाइक सब्सटेंस जो है उसकी तरह दिखाई देता है। ठीक है, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ने पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी इन मम्स। मम्स जो होता है किससे फैलता है? पैरामिक्सोवायरस फैमिली के वायरस से मम्स होता है, और मम्स में मेनली क्या है, पैरोटिड ग्लैंड जो है इनकी स्वेलिंग हो जाती है जिसको पैरोटाइटिस बोलते हैं। और इसकी पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी जो है ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, जब ये स्वेलिंग आना शुरू होता है साइन एंड सिम्टम आने के ऑलमोस्ट 2 दिन पहले से ज़्यादा इन्फेक्टिविटी होती है, और जिसका एवरेज इंक्यूबेशन होता है वो 16 से 18 दिन का होता है। और जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं मम्स की, वो ऑर्काइटिस, उफ्राइटिस, ये सारी जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो यहाँ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी पूछा था, दैट इज 16 to 18 डेज। नेक्स्ट इज मेजर एपिडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा ए अकर। देखिए बीमारी इस तरीके की जो इन्फ्लुएंजा वाली बीमारी होती है, इनका कुछ कुछ सालों में क्या होता है केसेस एकदम से बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एपिडेमिक। जब हम नॉर्मल फ्रिक्वेंसी, मतलब जो हमने सोचा था कि इतने केस आते हैं और उससे एकदम से ज़्यादा आ जाए, तो उनको बोलते हैं एपिडेमिक हो गया डिजीज़ का। तो इन्फ्लुएंजा ए का एपिडेमिक लगभग 2 से 3 साल में ऐसा होता है कि इसके केस एकदम से जो है हाई कर जाते हैं सीजन में, तो जिसको बोलते हैं कि इसका एपिडेमिक आ गया है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। द कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि किससे होती है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिए। इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पूछा गया है, केस, सब क्लिनिकल केस एंड कैरियर। केस वो होते हैं जिनमें साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, केस वो होंगे जो अच्छे से, जिनमें साइन एंड सिम्टम बीमारी के प्रेजेंट होंगे। सब क्लिनिकल केसेस वो होंगे जिनमें सिम्टम्स जो है बहुत ही माइल्ड होंगे कि वो ओवरलुक कर जाते हैं जनरली। ठीक है, कैरियर वो होते हैं जिनमें कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होता लेकिन डिजीज पॉजिटिव एजेंट उनमें प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पूछा गया है मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन डिप्थीरिया में, ये तीनों ही सोर्सेज जो है कॉमन होते हैं इन्फेक्शन के। एक आइसबर्ग ऑफ डिजीज होता है। ठीक है, ये बोलते हैं कि समुंदर में जो बर्फ का आइसबर्ग होता है वो छोटा सा दिखता है, तो जो सेलर होते हैं उनको लगता है कि बहुत ही छोटा सा है,
जो शिप है वो आराम से निकल जाएगा, लेकिन जो उसका बेस है वो बहुत फैला होता है, और जिसको बोलते हैं कि वो हिडन वाला पार्ट है जो कि बहुत खतरनाक है। इसी तरीके से ये वाले केसेस होते हैं क्लिनिकल केसेस, जो कि डायग्नोज होते हैं, जिनसे बचा जा सकता है। क्लिनिकल केसेस से तो क्या है, प्रोटेक्शन ले लेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये नीचे होते हैं, हिडन होते हैं, ये होते हैं हमारे सब क्लिनिकल केसेस, जो कि बहुत ही डेंजरस होते हैं, क्योंकि ये खुले में घूमते हैं और बहुत ही अच्छे से इन्फेक्शन को स्प्रेड करने की टेंडेंसी रखते हैं। इसको बोलते हैं आइसबर्ग ऑफ डिजीज, ये कॉन्सेप्ट को, ठीक है। नेक्स्ट इज शिक्स टेस्ट इज डन इन। शिक्स टेस्ट जो है वो डिप्थीरिया के लिए ही किया जाता है। शिक्स टेस्ट में क्या करते हैं कि जो डिप्थीरिया टॉक्सिन है वो 0.1 ml इंट्राडर्मल लगा दिया जाता है आम में, और दूसरी आम में जो है हीटेड इंटॉक्सिकेटेड वाला लगा दिया जाता है, और फिर जो है दोनों आर्म्स को देखते हैं आफ्टर 24 आवर्स, और अगर 5 से 10 mm का जो डायमीटर का अगर बन गया है तो बोलते हैं कि शिक्स टेस्ट इज पॉजिटिव, एंड डिप्थीरिया के लिए ये होता है। नेक्स्ट, एडजुवेंट प्रेजेंट इन डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन क्या है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस की वैक्सीन। इसमें जो एडजुवेंट होता है वो होता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, और इसका क्या काम होता है कि जो पोटेंसी है वैक्सीन की उसको और एनहेंस कर देता है और जो है बढ़ा देता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी, ग्लूटियल डेल्टॉइड, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई एंड फोरआर्म। ये किस में दिया जाता है? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में, जिसको क्या बोलते हैं? वास्टस लेटरलिस बोलते हैं, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। देन प्रेवलेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन। प्रेवलेंस क्या होता है? न्यू प्लस ओल्ड केसेस, और इंसिडेंस क्या होता है? न्यू केसेस। तो जो प्रेवलेंस होता है वो कौन सी चीज़ से देखते हैं? ट्यूबरकुलिन टेस्ट से देखते हैं, कि जो थोड़े ओल्ड केसेस भी होते हैं वो भी ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव शो करते हैं, तो वो दोनों केसेस को मेजर कर सकता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ पीपीडी। पीपीडी क्या है? प्रोटीन प्योरीफाइड डेरिवेटिव, जो कि इंजेक्ट करते हैं, वो कितना होता है? वो जनरली 5 TU होता है, 0.1 ml। और ये इतना जो है पीपीडी दिया जाता है। सो 0.1 ml इज द करेक्ट आंसर, और उसका अगर ट्यूबरकुलिन यूनिट में देखें तो वो 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजल्ट ऑफ मोंटॉक्स टेस्ट इज रीड आफ्टर। मोंटॉक्स टेस्ट का रिजल्ट कितने देर के बाद रीड करते हैं? ये जनरली जो है 48 to 78 आवर्स में रीड किया जाता है। तो आफ्टर पूछा गया है तो आफ्टर 48 आवर्स जनरली इसको रीड करते हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रेजेंट डे वैक्सीन इज सप्लाइड एज। जो BCG की वैक्सीन है, अभी जो है फ्रीज ड्राइड वैक्सीन आती है, इसके साथ डाइल्यूएंट आता है। डाइल्यूएंट होता है इसका नॉर्मल सलाइन, उसको डाइल्यूट करके तब इसको यूज़ करते हैं। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द डाइल्यूएंट यूज। अब देखिए, डाइल्यूएंट पूछा है तो इसका डाइल्यूएंट होता है नॉर्मल सलाइन। जो MR वैक्सीन है वो भी फ्रीज ड्राइड आती है, और उसका डाइल्यूएंट होता है स्टेराइल वाटर या डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट, द रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG वैक्सीन शुड बी यूज विद इन। रिकॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब है जो घोल दी है, ठीक है। वो वैक्सीन जनरली हमें 2 से 4 घंटे में यूज़ करनी होती है, अगर हम आउटरीच में हैं। आउटरीच का मतलब अगर हम फील्ड में इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं तो वो 2 घंटे में डिस्कार्ड कर देते हैं, और फैसिलिटी में हम जनरली 4 घंटे तक भी उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ए, 3 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट, द एज फॉर BCG वैक्सीनेशन। BCG का मतलब होता है बेसिलस कैल्मेटग्यूरिन, ये जो है किस चीज़ के लिए प्रिवेंट करने के लिए देते हैं? TB से प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। कहाँ पे देते हैं? लेफ्ट आर्म में देते हैं। कैसे? इंट्राडर्मल। लेफ्ट आर्म में देने का कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, सिर्फ ये है कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी वैक्सीन है जो कि अपना निशान छोड़ देती है। तो ये देखने के लिए कि बच्चे को वैक्सीन मिली है या नहीं है, सीधा उसकी लेफ्ट आर्म को चेक किया जाता है। तो इसीलिए इसको लेफ्ट आर्म में दिया जाता है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए। और ये विद इन 1 ईयर, अगर इसको बर्थ पे नहीं दिया गया तो अप टू 1 ईयर, 1 साल तक के बच्चे को ये कभी भी दे सकते हैं। लेकिन डोसेज जो है वो अलग हो जाती है। बर्थ पे इसकी डोसेज रहती है 0.05 ml, और फिर उसके बाद रहती है 0.1 ml अप टू 1 ईयर। द टर्म सोशियोलॉजी वॉज कॉइंड बाय। सोशियोलॉजी जो है चार्ल्स मैक्लिंटर ने इसको कॉइन किया था। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर।
देन सोर्स ऑफ मोस्ट पोलियो इन्फेक्शन, मोस्ट पोलियो इन्फेक्शन क्लिनिकल सब क्लिनिकल कैरियर BNC, जो इसका मोस्ट पोलियो इन्फेक्शन जो है वे ऐसे लोग फैलाते हैं जो या तो कैरियर होते हैं या बहुत ही माइल्ड सिम्टम वाले होते हैं. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर, सब क्लिनिकल केसेज एंड कैरियर. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय हेलमिंथ, हेलमिंथ से जो है इनमें से फिलियरेसिस होती है. हेलमिंथ जो होती है पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जिनमें के जो पैरासाइट होते हैं जनरली नेकेड आई से विजिबल होते हैं, इतने बड़े बड़े पैरासाइट जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. और जो फिलियरेसिस है वो एक राउंड वर्म हेलमिंथ जो है उससे कॉज होती है. ठीक है, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है. WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में है. नेक्स्ट, अ कंडीशन इन विच फोरस्किन इज नॉट रिट्रैक्टेड, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं फिमोसिस, जहाँ पे जो पेनिस की फोरस्किन है उसको रिट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं. सो फिमोसिस. एपिस्पेडियासिस होता है जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो ऊपर के सरफेस नॉर्मल जगह पे ना होके अपर सरफेस पे प्रेजेंट होती है, और हाइपोस्पेडियासिस में वो नीचे डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मिसकंसेप्शन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा गया है कि मेंटल इलनेस के कौन सा मिसकंसेप्शन नहीं है. मेंटल इलनेस इज़ क्यूरेबल, मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस इज कॉज्ड बाय सुपर नेचुरल पावर, एंड मेंटल इलनेस पेशेंट्स आर डेंजरस. तो यहाँ पे ये मिसकंसेप्शन नहीं है, कुछ कुछ मेंटल इलनेस आर क्यूरेबल इन नेचर. नेक्स्ट, ऑल आर द फॉलोइंग ऑफ मैनिंजाइटिस एक्सेप्ट, फीचर्स कौन से हैं मैनिंजाइटिस के, नक्कल रिजिडिटी, पुअर फीडिंग, हाई पिच क्राई एंड कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन एक्सेप्ट पूछा गया है, तो कॉन्स्टिपेशन इज नॉट द फीचर ऑफ मैनिंजाइटिस, बाकी तीनों हैं. तो ये जो है डी इज़ द राइट आंसर. सो ये था UPSC एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट क्लास, और ऐसे ही वीडियो में है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम पैटर्न जो है लाती रहूँगी. तो बच्चे प्लीज़ जुड़ जाइए चैनल के साथ, और अभी से हम तैयारी शुरू करेंगे, ज़रूर कामयाबी मिलेगी. और जो नॉर्सेट मेंस के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी मैं कल से मोस्टली सॉन्डर्स की जो है वो क्वेश्चंस डाल दूँगी, तो वो भी वीडियो के साथ जुड़े रहिए. थैंक यू.